हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र। लिक्विड क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संगठन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संगठन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो दोस्तों, संगठन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। अशुद्ध पदार्थ, जिसको मिश्रण भी कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण भी कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। तो दोस्तों, संगठन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं, और मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक तो समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। और दोस्तों, बात करते हैं तत्व की, तो तत्व तीन प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं अशुद्ध पदार्थ, जिसे मिश्रण भी कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। तो इसको, मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं मिश्रण को। तो दोस्तों, इसके एग्जांपल देख लेते हैं, वायु का मिश्रण, जल व तेल का मिश्रण, ये सब क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। वायु का मिश्रण और जल व तेल का मिश्रण क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। तो दोस्तों, इसमें मेन बात यह है, तत्वों और यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, तो किसी भी अनुपात में मिलाने पर, तत्वों और यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो वो अशुद्ध पदार्थ कहलाता है या मिश्रण कहलाता है, जो प्राप्त पदार्थ होता है वो। तो दोस्तों, बात करते हैं मिश्रण की, यानी कि अशुद्ध पदार्थ की। तो ये कितने प्रकार का होता है, तो मिश्रण दो प्रकार का होता है, वो कौन कौन सा होता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों, हम इनकी परिभाषा के साथ साथ अंतर भी पढ़ने वाले हैं। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है। तो दोस्तों, बात करते हैं समांगी मिश्रण की, कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण की, वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, अर्थात मिश्रण का संगठन एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। मिश्रण का संगठन एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, यानी कि प्रत्येक भाग के सभी गुण क्या, एक समान होने चाहिए, और अर्थात मिश्रण का संगठन एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की, वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान नहीं होते हैं, मतलब इसमें क्या है, प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान नहीं हैं, अर्थात मिश्रण का संगठन एक समान नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। कौन सा मिश्रण कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसमें मिश्रण का संगठन एक समान नहीं है, यानी कि पदार्थ के जो प्रत्येक भाग के सभी गुण हैं वो एक समान नहीं है, तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। दोस्तों, बात करते हैं तत्व और यौगिक के दूसरे अंतर के बारे में। तो तत्वों को सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, तत्वों को सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। यौगिकों को रासायनिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है, यौगिकों को तो क्या किया, सरल रासायनिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। इसको क्या, यौगिक को विभक्त किया जा सकता है, लेकिन तत्वों को सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, इसको नहीं किया जा सकता है, और इसको विभक्त किया जा सकता है, और इसको कौन सी विधि द्वारा, जो रासायनिक विधि है उसके द्वारा सरल पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। तत्व और यौगिक का तीसरा जो अंतर हो जाएगा,
वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 है। वर्तमान में जो तत्वों की संख्या वो कितनी है, 118 है। और यौगिकों की संख्या अत्यधिक है, यौगिकों की संख्या कितनी अत्यधिक है, यानी कि बहुत अधिक है, कितनी भी हो सकती है, कोई निश्चित नहीं है, इसलिए इनकी संख्या क्या है, अत्यधिक है यौगिकों की संख्या। अब बात करते हैं उदाहरण के बारे में, तो तत्व के जो उदाहरण हैं धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इनको याद रखना है दोस्तों, कौन कौन सी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, Ag से सिल्वर और Au से गोल्ड और Pt प्लेटिनम। अब अधातुएँ क्या क्या हो जाएंगी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। कौन कौन सी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये क्या है, अधातुएँ हैं। अब बात करते हैं उपधातु के बारे में, तो बोरोन, सिलिकन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और ये एस्टेटाइन। कौन कौन सी, एक बार वो बता रहा हूँ मैं, बोरोन, सिलिकन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और ये हो जाएगी एस्टेटाइन, एस्टेटाइन, ठीक है। ये क्या है, तत्व के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं यौगिक के उदाहरण के बारे में, तो ये सब क्या है, ये यौगिक के उदाहरण हैं। कौन कौन से हैं, H2O, CO2, NH3, CH4, H2CO3, HNO3 आदि। इनको क्या याद रखना है, कौन कौन से हैं, H2O जल हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 CH4 और H2CO3 HNO3। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ये किसके उदाहरण है, ये यौगिक के उदाहरण हैं दोस्तों। अब बात करते हैं तत्व की, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो तत्व तीन प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अभी अपन ने पढ़ा था धातु, अधातु और उपधातु, ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो धातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं, यानी कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनायन बनाता है और वो धातु कहलाता है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है धातु कहलाता है। अब बात करते हैं अधातु के बारे में, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। अब बात करते हैं धातु की, तो धातुओं में आघात वर्धनीयता व तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात धातुओं को पीटते हैं तो वो क्या बड़ी हो जाती है, धातुएं पल जाती है, तन्यता यानी पलने का गुण उन्हें लंबी हो जाती है जब उनको खींचते हैं। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता व तन्यता का गुण पाया जाता है। अब बात करते हैं अधातु के बारे में, तो अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है, जैसे कोयला को ले लीजिए, कोयले को अगर हथौड़ी से मारेंगे तो वो क्या बिखर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, भंगुरता। तो अधातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। अब इसका तीसरा अंतर हो जाएगा धातुओं में, धातुओं क्या कठोर और चमकीली होती है, धातुएँ कठोर व चमकीली होती है और अधातुएँ नरम व मुलायम होती है। अधातुएँ क्या होती है, नरम व मुलायम होती है, अधातुएँ नरम व मुलायम होती है, कौन होती है, अधातुएँ, और धातुएँ कठोर व चमकीली होती है। अब चौथा अंतर देखते हैं, तो धातुएँ विद्युत की सुचालक होती है, धातुएँ क्या होती है, ये विद्युत की सुचालक होती है और अधातुएँ विद्युत की कुचालक होती है। अधातु में विद्युत नहीं बहती है, धातुओं में विद्युत बहती है और अधातु में विद्युत नहीं बहती है, तो ये क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है, किसकी, विद्युत की। तो बात करते हैं इसके उदाहरण के बारे में, तो धातु के उदाहरण हो जाएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Ag सिल्वर और Au गोल्ड, Pt प्लेटिनम, Al एल्यूमिनियम, Mg मैग्नीशियम और Zn जिंक आदि। तो ये याद रखना है आपको, तो बस ये क्या है, धातु है। और बात करते हैं अधातु के बारे में, तो अधातु के उदाहरण हो जाएंगे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ब्रोमियम। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और ब्रोमीन, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। तो इसके अधातु के क्या हैं, ये उदाहरण हैं। तो इनमें अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं उपधातु, अब बात करते हैं उपधातु के बारे में,
वे तत्व जो धातु व अधातु दोनों के समान गुण दर्शाते हैं उपधातु कहलाते हैं। मतलब उपधातु क्या है ना, धातु और अधातु दोनों के समान गुण दर्शाते हैं। समान गुण क्या दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। तो उपधातु के उदाहरण हो जाएंगे बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टेटाइन। तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब बी से तो बोरोन, ए से सिलिकन, जी जर्मेनियम और एस से आर्सेनिक और एस बी से एंटीमनी और टी ई से क्या हो जाएगा टेल्यूरियम और ए टी से हो जाएगा एस्टेटाइन। तो ये इसके और भी एग्जांपल है, लेकिन आप इतने ही याद रखो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। We'll be right back.